नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू ऑरियर न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। जहां एक ओर दशहरे की बड़ी धूम देखी गई, वहीं किसानों ने रोष स्वरूप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला झज्जर में फूंका। उन्होंने कहा, देश का किसान पिछले 11 महीने से सड़कों पर बैठा है और यह अहंकारी राजा अपनी सीट पर बैठा है, लेकिन अभी तक किसी भी नेता ने इस पर दो शब्द नहीं कहे। किसान आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला का पुतला दहन करेंगे, क्योंकि रावण को तो बहुत पहले ही मार दिया गया था, लेकिन जिस तरह रावण अहंकारी था, उसी तरह देश का राजा प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला है। उन्होंने अपने अहंकार में चूर होकर किसानों को सड़कों पर बैठने पर मजबूर कर दिया, और किसान भी तब तक सड़कों पर बैठे रहेंगे जब तक यह कृषि कानून वापस नहीं होगा, तब तक हमारी घर वापसी भी नहीं होगी। आज दशहरा पर्व है, इसको हम हिंदू लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और अन्याय पर सत्य की विजय है, इसको मनाते हैं। लेकिन अब जो लगभग जो है 11 महीने से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, जो इस सरकार ने किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे हुए हैं उनके विरोध में, और ये जो है काले कानून भी असत्य हैं, और उन्हीं सत्य की लड़ाई को लेकर के किसान लड़ रहे हैं। तो आज हमने जो है इस कलयुग का रावण मोदी, खट्टर, दुष्यंत, उनका जो है पुतला फूंकने का दिल्ली गेट के किसान मोर्चे की तरफ से आयोजन किया गया है। आज किसानों को लगभग जो है 11 महीने हो चुके हैं इन कानूनों के विरोध में बैठे, और सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही, लेकिन किसान भी जो है जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे किसान भी वहां से उठने वाले नहीं है, और किसानों का
संयुक्त मोर्चे का जो भी आह्वान अगर आता है, हम जो है दिल्ली गेट के सारे किसान मिलकर के उस आह्वान को पूरा करते हैं। और आज जो है वही उन्हीं की काल के ऊपर आज हमने जो है ये किसानों ने जो है मिलकर के मोदी खट्टर और दुष्यंत का पुतला फूकने का कार्यक्रम आज दिल्ली गेट पर किया हुआ है। झज्जर में दिल्ली गेट के सामने सभी किसान एकजुट होकर इस पुतला दहन में आए। सैकड़ों युवा भी पहुंचे और उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़।